न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म पर अपन बात कर चुके हैं, अब जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म किस तरह से होता है और कितना जल्दी हम सीखते हैं देखते हैं भाई। SN2 मैकेनिज्म अगर बात करें तो यहां पर जो SN है वो क्या डिनोट कर रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहां पर जो 2 है वो ये डिफाइन कर रहा है ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। और SN2 रिएक्शन को भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरह से है, यहां पर मैंने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेके रखा हुआ है, उसकी रिएक्शन में OH नेगेटिव के प्रेजेंस में करा रहा हूं। होने क्या वाला है, OH नेगेटिव इस Br की जगह सब्स्टिट्यूट होगा और Br नेगेटिव आपका निकल जाएगा भाई, ठीक है। अब ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हुई और किस तरह से प्रोडक्ट बनाए चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो SN2 मैकेनिज्म होता है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। मैं लिंक करूंगा SN2 मैकेनिज्म को SN1 मैकेनिज्म से, क्योंकि आपको डिफरेंस पता हो भाई SN1 में क्या हो रहा था और SN2 में क्या हो रहा है। SN2 सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, SN1 मल्टी स्टेप मैकेनिज्म होता था। अब सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है तो किस तरह से होने वाला है देखेंगे भाई। यहां पर देखो कि यहां पर ये CH3 और इससे Br कनेक्टेड है। होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं करता है, वो सिर्फ बैक साइड से अटैक करता है, ये ध्यान रखना है। और बैक साइड से अटैक करेगा तो यहां पर देखो एक ऐसी स्टेट आएगी जिसमें क्या हो रहा होगा, ये OH नेगेटिव इस कार्बन से क्या हो रहा होगा, जुड़ रहा होगा, मतलब ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। और ये जो Br है वो अपना इलेक्ट्रॉन प्लस इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। ये जो स्टेट है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर जो सेंट्रल एटम है वो साइमल्टेनियसली 5 ग्रुप से कनेक्टेड है भाई, ट्रांजिशन स्टेट बनी है। और धीरे धीरे ये Br निकल जाएगा और OH उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, SN1 मल्टी स्टेप हुआ करता था, ठीक है। दूसरी, यहां पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। SN1 में हमारा कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम है ट्रांजिशन स्टेट का वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये ध्यान रखना है। ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 बॉन्ड से बॉन्डेड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर जो PS होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो फेवरेबल कंडीशन होती है, और SN1 में हमारी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS फेवरेबल कंडीशन होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस की पावर 1, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही थी, SN1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही थी। जो रेट ऑफ रिएक्शन थी SN1 की वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही थी, और यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। तो इसलिए हमें SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है, और SN1 में हमें वीक बेस रिक्वायर्ड होता है। अपन ने ऐसा भी कहा था कि अगर बेस गिवन नहीं है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारा बेस की तरह एक्ट करता है, लेकिन SN2 में हम बोल रहे हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायर्ड होती है SN2 के लिए, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेस की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे। SN1 में क्या बात करी थी रिएक्टिविटी की, कि रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। लेकिन यहां पर तो कोई इंटरमीडिएट फॉर्म ही नहीं हो रहा, यहां पर तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट बने उसके लिए ये जरूरी है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से अटैक करे, और आसानी से अटैक
तब करेगा जब यहां पर स्टेरिक रिपल्शन क्या हो, कम हो। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम तो रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 ज्यादा होने वाली है। आप जब NCERT खोलोगे पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, तो वहां पर आपको एक एग्जांपल मिलेगा कि जो रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 है उसका ऑर्डर बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड देन एलाइलिक हैलाइड्स देन 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। आप बोल रहे थे बाबा जी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, हमें तो ये पता है कि बेंजाइलिक वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसमें भी कम स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होने वाला, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर इस तरह का ऑर्डर क्यों आ रहा है, ये बात जाननी है। तो अपन नेक्स्ट जब वीडियो आएगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टुवर्ड SN1 SN2 उसमें ये बात क्लियर होगी हमारी तरफ से, ठीक है। अभी तक ये ध्यान रखना है कि SN2 के लिए भी बेंजाइलिक हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है देन एलाइलिक देन 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। इनका तो कोई लोचा नहीं क्योंकि इनमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस से देख लिया, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा लोचा आ रहा है आपके दिमाग में कि ऐसा क्यों, इसे जानना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके साथ, ठीक है। और एक और एग्जांपल मिलेगा आपको NCERT में कि RI ज्यादा रिएक्टिव देन RBR देन RCL देन RF, ये तो भाई स्टेरिक हिंड्रेंस से नहीं हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस तो फिक्स है, ठीक है। हमने कहा था कि NSR की रिएक्टिविटी हमारे 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगी, पहला फैक्टर कौन सा था, स्टेरिक हिंड्रेंस जो कि फिक्स है, दूसरा न्यूक्लियोफिलिसिटी वो भी फिक्स है, बस किस पे डिपेंड कर रही है अब यहां पर लिविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप। आप जानते हो हैलोजन एक ग्रुप के मेंबर हैं और ग्रुप में कंट्रोलिंग फैक्टर साइज होता है, और जैसे ही निकलेगा ये लिविंग ग्रुप उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था तो सबसे ज्यादा नेगेटिव ज्यादा साइज वाले पर होगा, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आई नेगेटिव होगा जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव देन RBR देन RCL देन RF, ठीक है। ये ऑर्डर हमने लिविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप से निकाला है भाई। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है एनर्जी प्रोफाइल। एनर्जी प्रोफाइल हम बनाते हैं, अब बात आती है कि इसमें कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। आप जानते हो अगर आपके पास एक्स इंटरमीडिएट हैं तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनती है, x+1, लेकिन यहां पर तो कोई इंटरमीडिएट नहीं है मतलब 0 इंटरमीडिएट है, मतलब 0+1 मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कुछ इस तरह से। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है SN1 या SN2 में वो होता है भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री। SN1 में स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी थी कि वहां पर पार्शियल रेसमाइजेशन हो रहा था, याद रखना है वहां पर पार्शियल रेसमाइजेशन होता है, कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होता है। अब यहां पर अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहां पर वाल्डन इन्वर्जन देखा जाता है। वाल्डन इन्वर्जन कैसा कि अगर आपका एल्काइल हैलाइड R है तो जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो S मिलने वाला है, मतलब अगर R है तो वो S में कन्वर्ट हो जाता है और S है तो वो R में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन का इन्वर्जन देखा जाता है, इन्वर्जन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन। अगर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो सिर्फ बैक साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड से अटैक नहीं करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक रिपल्शन फील करता है फ्रंट साइड से, क्योंकि फ्रंट साइड से आपका BR नेगेटिव निकलता है, लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, तो यहां पर इन्वर्जन होता है एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन का, ये ध्यान रखना है। वहां पर पार्शियल रेसमाइजेशन हो रहा था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई SN2 मैकेनिज्म की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं यहां पर SN2 के लिए हमें जो याद रखना है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा, ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है भाई, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, सेकेंड ओवर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, बेस की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होता है। जो रिएक्टिविटी होती है SN2 की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस कम तो रिएक्टिविटी ज़्यादा। और यहाँ पर ऑर्डर आया था हमारे पास बेंजाइलिक एलाइलिक देन 1 डिग्री 2 डिग्री देन 3 डिग्री। और एनर्जी प्रोफाइल और स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें ध्यान रखना है कि वाल्डन इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन, अगर R है तो S, S है तो R, इतना सा ध्यान रखना है SN2 में। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और अपन ने SN1 मैकेनिज्म पहले डिस्कस कर लिया था, आज अपन ने SN2 मैकेनिज्म पूरा डिस्कस कर लिया है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे पॉइंट क्लियर हैं हमारे पास। एक कंफ्यूजन आपको बच चुका है, कौन सा कंफ्यूजन? एलाइलिक और बेंजाइलिक ये पहले क्यों आ रहा है, इस कंफ्यूजन को जानना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, जय हो।